क्या आपके घुटने में दर्द है तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। अक्सर 45 उम्र के बाद हमें जॉइंट पेन या स्पेशली घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि ये घुटने का दर्द चिंता करने वाला है या नॉर्मल है। सो लेट्स फाइंड आउट विद मी। जॉइंट्स में कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिनमें हमें हमारे जॉइंट्स की देखभाल की जरूरत होती है, और कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जैसे कि बहुत लंबे समय से दर्द होना। अगर आपका घुटने का दर्द 4-5 हफ्ते से भी ज्यादा चल रहा है तो इसे इग्नोर ना करें और एक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लें। रात में दर्द बढ़ जाना, अगर आपका घुटने का दर्द रात में सोते हुए या जगते हुए बढ़ जाता है तो आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि एक सीरियसनेस का सिम्टम हो सकता है। घुटने में स्वेलिंग या रेडनेस, अगर घुटने में दर्द के साथ सूजन है या रेडनेस है तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर से जल्दी ही कंसल्ट करें। लिमिटेड मूवमेंट्स, अगर घुटने में दर्द के साथ आपके घुटने की मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाती है तो आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक सीरियस हो सकता है। अब आते हैं कब चिंता नहीं करनी चाहिए। सीजनल चेंजेस, कई बार घुटने के दर्द सिंपल मौसम बदलने से आते हैं जिनमें सूजन नहीं रहती, तो ये सिंपल रेस्ट, कुछ प्रिकॉशंस, हॉट पैड फोमेंटेशन से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। छोटी चोट लगना, कई बार सिंपल गिरने से या किसी चीज से टकराने से चोट लगती है जिसमें सूजन वगैरह नहीं रहती है, तो ये सिंपल रेस्ट और प्रिकॉशन से बिल्कुल ठीक होता है। तो अब आपके घुटने की देखभाल करना आपके हाथ में है। अब हमेशा अपने बॉडी की सुनिए। अगर आप इस तकलीफ से गुजर रहे हैं तो डोंट वरी, आई एम देयर टू टेक आउट यू फ्रॉम दिस पेन। टेक केयर।